नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की अस्पताल से बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टरों ने जो खुलासा किया है वो बेहद ही अहम है और चौंकाने वाला है। डॉक्टरों ने जो खुलासा किया है आप दर्शकों को बताते हैं, और इससे उनके परिवार में अफरा तफरी भी मच गया है। आप दर्शकों को बताते हैं कि लगातार उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं की जा रही थी, मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक दुआएं की जा रही थी, और लगातार डॉक्टरों के जो है अपडेट्स आ रहे थे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अस्पताल से आ रही है, डॉक्टरों का बड़ा खुलासा कि अब तक कोई भी जो है उनके सेहत को लेकर सुधार नहीं आया है। बड़ी खबर जो आप दर्शकों को बता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक के सुधार में कोई भी बड़ी नहीं आई। आप दर्शकों को बता दें कि 700 किलोमीटर की दूर से मुलायम सिंह यादव को देखने अस्पताल पहुंचा 18 साल का दिव्यांग। अरे इतना ही नहीं, कई ऐसे छात्र हैं जो किडनी तक देने के लिए तैयार हुए क्योंकि उनका किडनी सही से काम नहीं कर रहा था। अरे भाई 10 बार मिल चुका, ये बात कहते नजर आ रहे हैं। क्या बड़ी खबर आई है, अब दर्शकों को बताते हैं। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब है, उनका उपचार गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। कई बड़े और दिग्गज नेता सपा संरक्षण का हाल चाल जानने के लिए मेदांता अस्पताल जा रहे हैं। वहीं मंगलवार को एक अचंभित करने देने वाली घटना देखने को मिली, जहां अमेठी से एक दिव्यांग बच्चा अस्पताल में उनका हाल चाल जानने पहुंचा। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप दर्शकों बता दें कि दरअसल मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए 700 किलोमीटर दूर से एक दिव्यांग किशोर मोहम्मद अयाज गुरुग्राम पहुंच गया। इसके बाद वो नेताजी के लिए देवांता के गेट के सामने बैठकर प्रार्थना करते हुए भी दिखाई दे दिया। ये बच्चा अमेठी से मेदांता अस्पताल पहुंचा था। बच्चे के सर पर लाल रंग की टोपी भी थी, उसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है। बड़ी खबर जो आप दर्शकों को बता दें कि डॉक्टरों के खुलासे से समाजवादी पार्टी के परिवार में तहलका मचा हुआ है। SP9 की टीम उनके स्वास्थ्य के लिए भी दुआएं कर रही हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट SP9 न्यूज़।